पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कड़कती धूप में आंदोलन कर रहे किसानों की मदद को उतरे इंसानियत के मसीहा। महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नासिक से मुंबई पहुंच चुके थे। अखिल भारतीय विधानसभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे 30,000 से अधिक किसान नासिक से मुंबई विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। यहां तक पहुंचने में उनको बेशक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन दृढ़ संकल्प से चले इन किसानों ने हार नहीं मानी और चलते रहे। किसानों को मदद करने के लिए मुंबई के मुसलमानों का एक समूह आगे आया। मुसलमानों ने इन हजारों किसानों के लिए भोजन और अन्य जरूरतों के सामान की आपूर्ति की। एक फेसबुक यूजर ने इस समूह से बातचीत कर जानकारी जुटाने की कोशिश की। उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। अपने मांगों को मनवाने के लिए ये किसान 200 किलोमीटर की पदयात्रा कर मुंबई पहुंचे थे। राहुल गांधी का बयान, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए इसे पूरे देश की समस्या बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि यह केवल महाराष्ट्र के किसानों की मांग नहीं बल्कि समूचे देश के किसानों की आवाज़ है। भूखे प्यासे किसानों की मदद के लिए सिख समुदाय सामने आया और किसानों के लिए खाने का इंतजाम किया। उन्होंने भूखे किसानों को भोजन बांटा ताकि आंदोलनकारी किसान भूखे ना रह सके। किसानों की मदद के लिए सिख लोगों ने उनके लिए खाने पीने की काफी सारी चीज लेकर आए ताकि भूख की वजह से किसानों की हालत खराब ना हो सके। साथ ही मुस्लिम और सिख लोगों ने एक साथ मिलकर किसानों के हाथ पैरों को साफ भी किया। दोनों समुदाय के लोगों ने किसानों के विशाल आंदोलन में उनके साथ रहने का वादा भी किया। आपको बता दें कि पैदल नासिक से मुंबई आते वक्त 5 किसानों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद किसानों को छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि इन किसानों को पानी की कमी और ब्लड प्रेशर होने की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।